लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जिलाध्यक्ष श्याम मंडी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कैथल के गांव और शहरों का दौरा किया। चुनावों के मद्देनजर श्याम जनता के साथ जनसंपर्क साध रहे हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को बता रहे हैं। वे मीडिया से बात करते हुए LSP नेता ने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं BJP पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि BJP सरकार में युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं HSC परीक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पेपर देने के लिए युवाओं को 200 से 250 किलोमीटर दूर बदहाल स्थिति में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है। सारा कैथल लगभग कवर हो चुका है और रिवीजन मैं कैथल शहर से कल से करूंगा और गांव का लगभग सभी गांव में जा चुका हूं और आशीर्वाद काफ़ी मुझे मिल रहा है। तो कितनी अगर बात की जाए, कितना जो है लोग शहर की बात करें, कितना जो शहर के लोग आपसे जुड़ रहे हैं? काफ़ी संख्या में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और वैसे भी राजकुमार सैनी में शुरू से ही जनता की आस्था है, क्योंकि ये हमेशा से ही दलित वंचित और पिछड़ों के साथ हमेशा से ही निडरता के साथ खड़े हुए हैं और यही जनता चाहती है कि सभी का हिस्सा सभी को मिले, और इसलिए राजकुमार सैनी जी की आस्था को देखते हुए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। युवा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ बहुत ही भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो सम्मान जो शिक्षा और सम्मान रोजगार की बात है, इसमें एक परिवार एक रोजगार की बात है। युवाओं को कुछ नहीं चाहिए, युवाओं को चाहिए नौकरियां। जो आज BJP सरकार में देख लो कैसे बच्चे बाहर पेपर देने के लिए 200-200 किलोमीटर 250-250 किलोमीटर जा रहे हैं। आप देखो कितनी बदतर हालत हो गई है, बसों में जा रहे हैं। अगर इनको लोगों इनको BJP वालों को रैली करनी होती है तो ये बसें भेज देते हैं, और बच्चों को कैसे तंग किया जा रहा है दूर पेपर, जैसे किसी बड़ी परीक्षा का आयोजन कर रहे हो ये लोग, जानबूझकर तंग कर रहे हैं इसके नौकरियों को देने के नाम पर। इसीलिए काफ़ी युवाओं में ज़्यादा रुझान है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समानता में विश्वास रखती है और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। विकास BJP कहाँ कर रही है सर, खंडर बना दिया है सारा कैथल जिला, कहीं भी कौन से हल्का जाकर देख लो, यहाँ पर तो बस तांडव ही तांडव किया है इन लोगों ने। और गलियों की देख लो, सीवरेज सारे मुंदे पड़े हैं, सारे गलियों की व्यवस्था सारी फटी पड़ी है। यहाँ कैथल में कोई नया प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। कैथल का तो विकास पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गया है। ये कैथल की जनता BJP को नकार चुकी है और ये अंधभक्ति के कारण कुछ जो ये चाहते हैं, ये अंधभक्ति है इन लोगों में, इस करके ये थोड़ा इनमें दिखा रहे हैं। 20-20 कैंडिडेट हैं, इनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है, लोगों में नेगेटिव BJP की तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी है। सारी जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और उत्साह के साथ सारी टीम अभी अनाउंस टिकट अनाउंस होते ही काफ़ी लोगों में वैसे भी रुझान है, लोग कहने लगे हैं भाई टिकट जब तक डिक्लेयर नहीं होती जब तक थोड़ा वो रहेगा, और जब डिक्लेयर होते ही एकदम से काम हमारा उठेगा और सभी पार्टी को हम पीछे छोड़ देंगे। तो अभी की जा रही है वोटों की खेती के लिए, सभी पार्टियाँ कर रही है। जैसे अगर रणदीप सुरजेवाला को ले लो, दलित और पिछड़ों की अब याद आने लगी है इसको, ये पहले कहाँ गया था रणदीप सुरजेवाला जब ये सत्ता में थे कांग्रेस और अभी BJP ही। ये आंकड़े उठा के ले लीजिए, ये RTI के आंकड़े हैं, SC और OBC के सभी वंचित वर्गों के। ये OBC समाज की हिस्सेदारी इसको पहले नहीं दिखाई दी, 22% लोगों को 11% पर लेकर समेट दिया, इसने क्यों नहीं है? अब दलित पिछड़े इनको याद आने लगे हैं, और यही BJP का हाल है। 11% से 12% पे ये लोग धकेल दिए हैं OBC के, SC के 14% पर लेकर धकेल दिए हैं। इन्होंने हमेशा से ही दलित और पिछड़ों का हक खाया है, वंचित लोगों का। ये अपनी डपली अपना राग अल्पाया है और लोगों को अपनी तरफ से अपने अपने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। ये दलित और पिछड़े वंचित जब याद आते हैं, जब इन्होंने इनकी खेती करनी होती है वोटों की, और वरना नहीं आते। इसीलिए ये लोग इतनी अंधे हो चुके हैं सत्ता के उसमें कि बराबर की हिस्सेदारी देने की बजाय और सत्ता आने के टाइम पर इनको याद करते हैं। यहीं 3rd और 4th क्लास में लोगों को घुमा के मार रही हैं लोग। बाहर गुजरात से SDO और SDM लगने हैं तो गुजरात से लाकर लगाते हैं हरियाणा के अंदर। ये नौकरियों में भी हमारे हरियाणा के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। BJP सरकार ने कोई प्रोग्रेस नहीं की, लोगों को सिर्फ पाखंडवाद अंधविश्वास और धर्म के झगड़ों में उलझाकर, जातियों के झगड़ों में उलझाकर रखा है, और विकास के नाम की कोई हरियाणा में कोई इसकी लहर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।